Hello everyone, so morning to all. So today I'm here, theme College of Engineering, to appear the LAWCET 3 years exam morning sip. So as I committed, I will give you the complete details about the GK, it means what was the questions are coming in exam. So guys, as we prepared, jaisa ki humne prepare kiya tha from the static and करेंट अफेयर्स जो मैंने सीरीज़ भी बहुत सारे आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स एंड राइटर से आ सकते हैं, ओलंपिक से आ सकते हैं, नीरज चोपड़ा से रिलेट करके आया था, गोल्ड मेडलिस्ट से, एंड बुक्स एंड राइटर से जो क्वेश्चन आया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाई हुम, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, एवरीवन नो. सो ओवरऑल इफ आई विल से तो जीके सेक्शंस बहुत ईजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था. हाँ, बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जीके से 54 क्वेश्चंस आए थे एज आई रिटन हियर. सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, सो यू विल गेट द इन डिटेल्स इवनिंग तक आपको मिल जाएगा. बट जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल, आई कैन से इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बहुत डीप में नहीं पूछा था. ऐसे ही बहुत कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन आए थे, ऑड मैन आउट टाइप से क्वेश्चन आए थे. ओके, सो ब्लू रिवेल्यूएशंस भी आया था, आर्टिकल 21 भी आया था, एंड ग्लोबल टीचर अवार्ड मैंने जो अपने जीके सीरीज में आपके साथ डिस्कस भी किया था, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेट करके, सो वो भी क्वेश्चंस आया था. ओके, एंड हिस्ट्री, फीफा इज अ ग्लोबल रेगुलेटरी ऑफ विच गेम, कौन नहीं जानता है फीफा के बारे में, इस तरह से क्वेश्चंस आए थे. इसको आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रख सकते हो. एंड ये आया था टॉप इन 2020 फॉर्च्यून लिस्ट 500 लिस्ट में इंडिया से कौन सी कंपनी है, सो बट ओबियस है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, सो सबको पता है. तो गाइज इसका कंप्लीट डिटेल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन थे. ओके, सो इवनिंग तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा. चलो एवरी एंड एनीथिंग एल्स आई डोंट थिंक, सो चलो सी यू इन इवनिंग, थैंक यू.